हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? दोस्तों कैसी चल रही है डियर आईडीडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन? दोस्तों अभी क्लासेस की घर में गैप हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं क्लास नहीं कर पाई थी वेडनेसडे से, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी कुछ। तो दोस्तों आज फिर हम लेकर आए हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यूनिट्स कोर्स फोर से। तो कोर्स फोर के हम देखेंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट्स हैं और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यूनिट फर्स्ट का देखिए 1.1, विकास एवं वृद्धि की अवधारणा परिभाषा स्पष्ट करते हुए विकास के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये टॉपिक आपका विकास एवं वृद्धि की अवधारणा को परिभाषित, इसमें आप विकास के बारे में बताएंगे, वृद्धि के बारे में भी, इसका अर्थ भी, विकास का अर्थ, वृद्धि का अर्थ, फिर उसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे, दोनों की परिभाषाएं देंगे, फिर विकास के सिद्धांतों को आप डिटेल में करेंगे। यानी कि आपका ये 10 मार्क्स का है पार्ट डी के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 99% इसके आपको चांसेस है आने के, ठीक। नेक्स्ट देखिए 1.2, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आपके विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? तो 5 मार्क्स के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि पार्ट सी के लिए। 1.3 है प्रकृति बनाम पालन पोषण को विस्तार करें। ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है आपको, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। 1.4, विकास के क्षेत्र प्रकार एवं उनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका पूरा यूनिट फर्स्ट 50% आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपने यूनिट फर्स्ट की अगर प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए सारे टॉपिक, तो आपने समझ लिए 50% अपना एग्जाम पेपर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यूनिट टू पर आ जाइए। यूनिट टू का 2.5, यानी कि यूनिट टू का जो 2.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबको मिलाकर एक क्वेश्चन है आपका, बाल विकास की अवस्थाएं जो है, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से आपको कोई एक स्टेज आ जाएगी 5 नंबर में, जैसे जन्म के पूर्व की अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज जो हम बोलते हैं, बाल सहज अवस्था, बाल अवस्था, प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, या बाल देरी से बचपन, देरी से मतलब होता है डिले डेवलपमेंट, ठीक है ना। विकास की विशेषताओं को लिखिए, तो इसमें से कोई एक स्टेज है कि, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आती है आपकी बाल अवस्था आती है, इस चीज़ को आप जल्दी से रेडी कर लीजिए, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपको बाल अवस्था पूछी जाती है, यानी कि चाइल्डहुड आती है, ठीक। यूनिट 3 पर आ जाइए। 3.1 देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता को समझाइए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3.2 देखिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बेंडुरा, प्याजे और बाइगोत्सी द्वारा दिए गए सिद्धांतों को लिखिए। कोई एक आएगा सबसे ज्यादा जो आता है, एक तो थॉर्नडाइक आते हैं, दूसरा आपके प्याजे आते हैं, ठीक है ना। स्किनर प्रॉब्लम में से कोई एक आएगा, यानी कि आप ये चारों ही तैयार कर लीजिए, लेकिन 99% प्याजे के आते हैं या थैंडर का, ठीक है, ये दो आते हैं, ठीक। तो कोई एक तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में आपसे कोई भी सिद्धांत पूछ सकता है। 3.3 देखिए, अधिगम को परिभाषित करते हुए अधिगम शैली और शिक्षार्थी के प्रकार लिखिए। 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स में आ जाएगा। अगर शिक्षार्थी प्रकार की विशेषताएं पूछ लेगा ना, अलग अलग प्रत्येक शिक्षार्थी की विशेषताएं, तब 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। यूनिट 4 पर आ जाइए। 4.1, ध्यान का अर्थ परिभाषा और कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 5 मार्क्स के लिए, ठीक। 4.3, स्मृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्मृति को बढ़ाने की रणनीतियां लिखनी है। यहाँ पर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा टॉपिक। 4.4 देखिए, बुद्धि के अर्थ को परिभाषित करते हुए बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार करें। 10 मार्क्स में आएगा, ठीक। यूनिट 5 पर आ जाइए आप। यूनिट 5.2 देखिए, बच्चों में कौन सी सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं? 5 नंबर के लिए। 5.3, व्यवहार कार्यात्मक विश्लेषण भी 5 नंबर में आएगा आपका। 5.5, समावेशी और विशेष विद्यालय कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार सुधार की रणनीतियां 10 मार्क्स में आए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें भी
आप यूनिट फर्स्ट तो आप पूरी तैयार कर लीजिए। आपकी यूनिट फर्स्ट जो है 10 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क्स में, क्योंकि 10 में आपका ये आ जाएगा सबसे यूनिट 1.1 10 मार्क्स में, ठीक है। और बाकी 5 मार्क्स के लिए आपका 1.3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 99%, और 1.4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1.2 भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कम से कम 10, 15, 20, 25 नंबर के लिए आपके यूनिट फर्स्ट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। और यूनिट टू की अगर हम बात करें तो आपका यूनिट 2.5 मोस्ट यूनिट का जो आपका चाइल्डहुड है ना, स्टेज जो है बाल अवस्था जो है, आप वो तैयार कर लीजिए, ये आपकी आ सकती है, ठीक है। पांच नंबर में पूछी जाएगी यूनिट टू से। यूनिट थ्री पर देखिए दोस्तों, यूनिट थ्री में अगर हम बात करें तो आपके जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, सिद्धांत थ्योरीज जो दी हुई है, सॉरी थ्योरीज में आपको एक तो थॉर्नडाइक और स्किनर और पियाजे, ठीक, ये तीन है, तीनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लीजिए आप, तीनों में से एक आ जाएगा आपका, ठीक है। 3.3 देखिए, अधिगम को परिभाषित करते हुए अधिगम शैली और शिक्षार्थी के प्रकार, अगर प्रकार है केवल तो 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर विशेषताएं भी आई तो 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा टॉपिक, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। यूनिट फोर पर आ जाइए, ध्यान देखिए, ध्यान अटेंशन की जो डेफिनेशन है 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं वो आपको, यानी कि पार्ट बी में भी पूछ सकते हैं, सी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 5 नंबर के लिए। और स्मृति यानी कि मेमोरी के बढ़ाने की रणनीति, कभी कभी मेमोरी के प्रकार भी पूछ लेगा वो, ठीक है ना, स्मृति के प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें स्मृति को बढ़ाने की रणनीति 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 4.4 देखिए, बुद्धि के अर्थ को परिभाषित करते हुए बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार कीजिए, यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि का, आपको वो देना है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपकी, अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनिट फोर, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर दोनों ही यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यूनिट फाइव पर आ जाते हैं, यूनिट फाइव में आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एक तो ये देख लीजिए लास्ट वाला 5.5 जो आपका दे रहा है, समावेशी और विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार में सुधार करने की रणनीतियां 10 मार्क्स में आपसे बहुत अच्छे से पूछ सकते, ठीक है। और यूनिट फाइव में आप ये भी पढ़ लीजिएगा, बच्चों में कौन सी सामान्य व्यवहार संबंधी समस्या नहीं पूछेगा, हाँ आपसे व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण पूछ सकता है 5.3 5 मार्क्स, ठीक। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट क्लास करनी पड़ती है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फैमिली है, बिटिया है मेरी छोटी, और खुद का भी थोड़ा अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, तो शायद टाइम नहीं दे पा रही हूँ जल्दी से। बाकी कोशिश करूंगी जल्दी आपकी क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। क्या आज 4 हो गया, आप कितना बचता है, 5, 6 रहे बस, ठीक है ना। फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट क्वेश्चंस की, किस तरीके से हमने करना है, ठीक है, किस तरीके से आंसर देने हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली के साथ तो पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।